हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जनरल साइंस पर हमारा ये पहला लेक्चर है जो एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि जनरल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें समझने का प्रयास करेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करके हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि इसका सबसे पहली बात है कि साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना। अगर मैं बात करूँ साइंस के, तो देखो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस बाद में बात करता हूँ, पहले इसके इम्पोर्टेंस को अगर हम समझ लें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो इम्पोर्टेंस की बात करें, जहाँ भी अगर बात की जाती है आपकी जनरल स्टडीज़ की, ठीक है, या जनरल नॉलेज की, जीके, जहाँ पर भी एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है, तो उन सभी में आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट रहता है आपका साइंस, ठीक है। और साइंस में क्या होता है, बेसिक अगर हम बात करें जैसे एसएससी हो या रेलवे हो, एसएससी है या आपकी रेलवे है, आरआरबी है, इन एग्ज़ाम में इसके अलावा के जैसे अगर यूपीपीसीएस की बात की जाए, और या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी का थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है, हम तो हर लेवल की बात करेंगे ना, तो अगर मैं पीसीएस एग्ज़ाम की भी बात करूँ तो इन सब में अगर साइंस के रोल की बात करूँ तो बहुत अधिक रोल रहता है। एसएससी में मैं अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये कंपलसरी हैं, कई बार ये संख्या 6 से 10 तक पहुंच जाती है, ये आपने देखा होगा 6 से 8, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 8 क्वेश्चन तक जाती हुई नज़र आती है बहुत आसानी से। और आरआरबी में तो बहुत ही रोल रहता है इसका, ठीक है। पीसीएस एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा रहता है, 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं जीएस पेपर 1 में, आप अगर देखेंगे जो प्रीलियम्स एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस के। तो ये तो इसका इम्पोर्टेंस है। बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक के एग्ज़ाम छोड़ के, बाकी हर एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस, लोग कहते बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और सिंपल जैसे कहावत होती है, इज प्रूवर एवरीथिंग इज ईजी इफ़ यू आर क्रेजी एंड नथिंग इज ईजी इफ़ यू आर लेजी, ठीक है ना। हर कुछ, सब कुछ आसान है यदि आप क्या हैं, सीखने के चाहें, इच्छुक हैं, क्रेजी हैं आप, तो आपके लिए सब कुछ आसान है, ईजी है। तो इसी माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, और आज हम सबसे पहले सिलेबस पे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे साइंस पे एक एक टॉपिक पे, और हम आपको पूरी की पूरी साइंस की सीरीज जो है प्रोवाइड कर देंगे और बहुत अच्छे ढंग से एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है, ये आइडियल क्लासेस पे आपको ऑनलाइन लाइव क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है जनरल स्टडीज के, और इसके साथ साथ आज जो ये सीरीज़ हमने जारी की है साइंस की है, इस पर क्या होगा, ये हफ्ते में यानी 1 या 2 क्लास कंपलसरी साइंस की आती रहेंगी, रेगुलर नहीं आएंगी डेली, क्योंकि डेली लाइव क्लास चलेगी। इस पर क्या होगा, जब जब हमें टाइम मिलता रहेगा समय बीच बीच में, बाकी जैसे अभी पॉलिटी चल रही है वहाँ पर और ज्योग्राफी चल रही है लाइव क्लास में, जब वो फिनिश हो जाएगी तब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। और ये जो जनरल साइंस है ये आपको क्या होगा, ये भी साथ के साथ चलती रहेगी और लाइव क्लास में भी आपको हम करवाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम साइंस की बात करें तो इसकी ब्रांचेस की बात करें तो 3 होती हैं, एक होती है आपकी फिजिक्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं या भौतिक विज्ञान, ठीक है। दूसरी क्या है आपकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और तीसरी क्या है आपका, बायोलॉजी, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, ठीक है। देखो बायोलॉजी, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं फिजिक्स पे, कि फिजिक्स क्या है। तो देखो फिजिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली 2 चीज़ों की बात करता है, एक तो वो द्रव्य और दूसरा क्या है, ऊर्जा। द्रव्य की, देखो द्रव नहीं है ये, ठीक है, द्रव नहीं है ये, द्रव्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैटर, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैटर,
ठीक है, मैटर क्या है, एवरीथिंग जिस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, जिसमें क्या हो, मास हो और जो स्पेस कवर करती हो अर्थात जगह घेरती हो, तो उसे मैटर यानी द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी समझ पा रही है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वो द्रव्य है, और आपको आसपास जो भी चीज़ दिख रही है वो सारी की सारी द्रव्य हैं, और इसी द्रव्य की तीन स्टेट होती हैं, वो हम आगे समझेंगे, उस पर फिलहाल हमें चर्चा नहीं करना है। यहाँ पे क्या दूसरा शब्द है, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है, इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, एनर्जी। ठीक है, तो दो चीज़ों पे बात करें, यानी द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक संबंध और इनके बीच यानी इनके रूपों को अगर हम समझते हैं तो क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है, उनके पारस्परिक संबंधों को स्टडी किया जाता है, उन सबका अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अगर हम इसके फादर की बात करें, यानी जनक जो हैं भौतिकी के जनक, किसको कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना भौतिकी के जनक को न्यूटन कहा जाता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, लेकिन हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे तभी तो आगे समझ आएगा। अभी हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, और मैं बताऊंगा अभी एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है ना, आई होप आप इतनी चीज समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, दूसरी बात करते हैं हम केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, देखो केमिस्ट्री पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, तो पदार्थ यानी जो सब्सटेंस है उसकी दो चीज़ पे, एक तो गुण यानी क्वालिटी और दूसरा है उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना। तो किसी भी पदार्थ का क्या किया जाए, एक तो क्वालिटी, बायलैंग्वेज चल रहे हैं हम, क्वालिटी, दूसरा क्या है उसका स्ट्रक्चर जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की क्या किया जाता है, क्वालिटी एवं स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान के अंदर क्या होगा, सिंपल भाषा में कहें किसी भी पदार्थ के गुण एवं संरचना का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, इसके अगर फादर की बात की जाए, जनक की अगर हम बात करते हैं, यानी फादर कौन थे, तो इसके फादर हैं लेवासिए। लेवासिए को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना, लेवासिए। ठीक है ना, बायोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, बायोलॉजी के अंदर सिंपल भाषा में कहें तो पेड़ पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, इसमें प्लांट्स वगैरह और एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब इसकी भी दो ब्रांच होती हैं। ठीक है, एक कौन होती है, जूलॉजी, और एक क्या होती है, बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जूलॉजी के अंदर, तो जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहा जाता है, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, दूसरा बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स है, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है ना, अगर हम इनके जनक की बात करें तो देखो, जो बायोलॉजी और जूलॉजी, इन दोनों के अगर हम फादर की बात करें, यहाँ तक विजिबल है, हाँ ठीक है, ऊपर लिख दूँ मैं, ठीक ठीक, जूलॉजी और बायोलॉजी, इन दोनों के जो फादर जाने, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, वो हैं अरस्तु, एरिस्टोटल कह सकते हैं, यानी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, अरस्तु को। और बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। ठीक है, ये क्या है, फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट बता दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने आपको पर्याप्त टाइम दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ तो मैं आपको बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ कि आपके पास भी राइट है। अगर आप चाहें तो डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप वीडियो को लाइक ही कर दें, ज़बरदस्ती करते हैं लाइक करो लाइक करो, तो फिर आपकी जो स्वतंत्रता है ना, वो मतलब उसके अधिकार को छीन लिया जाएगा, माना जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे यानी किसी भी तरह की कोई किसी की लिबर्टी जो है वो छीन ली जाए। आपके पास पूरा राइट है, आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं,
और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स, फिजिक्स यानी भौतिकी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम कोई टॉपिक उठाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भौतिकी में अगर हम सिलेबस की बात करें, कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी चाहिए जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस हैं, सबसे नंबर वन मापन यानी मेज़रमेंट, नंबर टू यांत्रिकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, पैदुत, नेक्स्ट प्रकाश, ठीक है। हमने एक चैप्टर कौन, देखो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं अगर बात करें इन सब पे, ये जो टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने ही पढ़ने। फिजिक्स में रोल कम रहता है अपेक्षाकृत, आप लोग ये मैं सोचें कि फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं, फिजिक्स आती है अपेक्षाकृत कम आती है कई बार, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का रोल थोड़ा ज़्यादा कम रहता है, बेसिकली बायोलॉजी का रोल ज़्यादा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि फिजिक्स बहुत अधिक मात्रा में आती है। लेकिन अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं अपेक्षाकृत बायोलॉजी से कहीं अधिक मिलते हैं, और जो टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट पे जाते हैं तो उनमें तो पूरी की पूरी फिजिक्स ही आती है ना, या जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक करके एएलपी वगैरह का देते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का टेस्ट, तो उनमें देखा होगा, या ग्रुप डी के एग्जाम में आप देखना तो फिजिक्स का रोल बहुत अधिक रहता है अपेक्षाकृत बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपने देखा होगा, और बल्कि एएलपी वगैरह में कम्प्लीटली फिजिक्स ही आती है, ठीक है ना। टेक्नीशियन जैसे पदों में कम्प्लीटली पूरी पूरी फिजिक्स आती है, और प्रकाश चैप्टर है ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपके लिए हीट, हीट यानी ऊष्मा, मैं इनके भी लिख देता हूँ, इसे हम लाइट, और ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स, ये है मेजरमेंट, ठीक है ना। ये आपके यूनिट हैं जिन पर हम बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और लास्ट में हम विविधि तो नहीं कह सकते लेकिन यंत्र एवं उनका क्या उपयोग, और एक और पढ़ेंगे आविष्कारक, यानी आविष्कार एवं आविष्कारक, भौतिकी में कौन कौन से आविष्कार हुए और उनके आविष्कारक कौन है, ठीक है ना, उन पे भी चर्चा कर देंगे। ये होता है अप्लायंसेज एंड उनका यूजेज, तो इन पे भी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, आप चाहें तो फिजिक्स का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आज के इस वीडियो में हम मापन को समझने का प्रयास करेंगे। ये सिलेबस आपको मैं कम्प्लीट कराऊँगा विधिवत, पूरा एक एक टॉपिक कम्प्लीट कराऊँगा, और हर वीक में एक ना एक वीडियो हमारा आता रहेगा, एक दो कम्प्लीटली, ठीक है ना। पूरा कम्प्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, और बहुत अच्छे ढंग से आप इनके नोट्स बनाते रहना, और लाइव क्लास आप हमारी ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास भी चल रही है, जिसमें अभी जो क्लास चलती है वो कंटिन्यू किस किस के लिए चल रही है, एक तो पॉलिटी के लिए और दूसरी जियोग्राफी के लिए, ठीक है ना। अभी दो टॉपिक चल रहे हैं, इसके बाद हम आगे के जो हैं हिस्ट्री एंड इकोनॉमी के उठाएंगे, ठीक है ना, इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। अभी जो हमारी लाइव क्लास चलती है वो कौन सी चलती है, पॉलिटी पे और ज्योग्राफी पे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप हमें कंप्लीट सिलेबस लेना चाहते हैं, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी जनरल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टीचमेंट पे भी लाइव क्लास चल रही हैं, टीचमेंट पर लाइव क्लास चल रही हैं, लगभग 60 प्लस लाइव क्लास कंडक्ट हो चुकी हैं वहाँ पर। आप अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ से क्लासरूम आईडी मिलेगी आपको, और वो क्लासरूम आईडी आप देंगे, ये स्पेशली बैच यूपीएसआई पर अभी फोकस्ड है पूरा, या यूपी ट्रिपल एससी। इसके अलावा कोई भी जनरल कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जैसे रेलवे वगैरह की, या एनटीपीसी ग्रुप डी की है, या इस तरह से एसएससी, इन सभी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।